राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में बनी अवैध मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह पर भाजपा की भाषा बोलने और हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत की टिप्पणी की है, जिस पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और एक समुदाय विशेष पर उनकी राजनीति टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए मोहब्बत है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ओवैसी अपने राज्य में ध्यान दें। यहाँ बात वैध और अवैध की है, मंदिर या मस्जिद की नहीं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, सुनिए। ये 2010 से शुरू है ये काम। जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने सलीम के खिलाफ, कोई रिस्पॉन्डेंट है सलीम, और 10 साल बाद वो खुद ही लिख के दे रहे हैं, डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना वो कोई पदाधिकारी है, ना उसका कोई जो है वर्कअप बोर्ड में कोई लेना देना है। बाद में हटा के वर्कअप बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला, और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है, वो तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो मालिकाना हक ही नहीं है। और बार बार अगर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, 44 पेशियाँ लगा दी है, और आप खुद लिख के दे रहे हैं कि पहले 1 मंजिल बनी थी, फिर ये बाद में 3 मंजिल बना दी, फिर कोरोना टाइम में 4 मंजिल इन्होंने और बना दी, तो आप तोड़ क्यों नहीं रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब है ना। और लोग करते हैं अगर शिमला में आसपास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फटाफट या TCPA फटाफट जो है वो बिजली पानी काटने का नोटिस देता है, पावर है और काट देता है, मतलब डिपार्टमेंट को लिखता है, क्या इसमें किया गया? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना, सिंपल बात, मस्जिद और मंदिर की नहीं है। हम बोल रहे हैं अगर मंदिर भी अवैध है उसके ऊपर भी एक्शन हो। क्या उन्होंने प्रशासन से कोई धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन ली है, डिप्टी कमिश्नर से, SDM से ली है? इसकी जांच तो करो ना कि मैं ही उठूं और मैं यहाँ बाहर चौक पे जाके एक मंदिर बना दूं, ये तो कोई उचित बात नहीं है ना। तो मैं यही सारे तथ्य हैं, सब कुछ सारे कुछ मिला के मैं समझता हूँ, कंपाइल करके, जब डिपार्टमेंट खुद मान रहा है कि वैध है तो उसको तोड़ो। उसमें पेशियाँ लगाने की क्या जरूरत है कि बार बार 44 पेशियाँ लगा दी 14 साल के अंदर, उसको जब क्लियर दिख रहा है आपको तो ऑर्डर ही तो करने, और क्या करने। मैंने उठाया है, पेपर्स लेकर आए मैंने हाउस के अंदर, मालकाना हक के जो हैं 1960 से जो है 67 की जमाबंदी से लेकर मैंने वो जो है पेपर्स जो है वो सबमिट करे हैं मैंने कल, सरकार के ध्यान में भी लाया है कि वो ज़मीन जो है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार की है, इसके ऊपर जल्दी एक्शन होने जा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कोई भी मंदिर है मस्जिद है वो सबका है, तो ये नहीं कि किसी व्यक्ति पार्टी का, राम मंदिर है वो सबका है, वो कोई ऐसा नहीं कि BJP का है, सारे लोग उसमें उसको सम्मान करते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, ऐसे ही दूसरे धर्मों का जो है हम भी सब में सम्मान रखते हैं, वो किसी की जागीरदारी नहीं है, OBC साहब की जागीरदारी नहीं है, और वैसे भी OBC साहब हैं वो सीनियर आदमी हैं, हम भी उनके ऐसा नहीं है उनके रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन एक समुदाय के नेता हैं, पूरे देश के नेता नहीं है, वो केवल एक समुदाय के ऊपर राजनीति करते हैं, और वो BJP की जो है B टीम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जो हमारी राजधानी है, यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है, और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है, और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है, वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है, क्योंकि ये मामला सब जूडिस है तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।